मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है और यहां पर हिरासत मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है एल्विश यादव को। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एल्विश यादव जिन पर आरोप लगा कि रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था, एफएसएल की रिपोर्ट में यह पुष्टि हो गई कि जी हां सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कोर्ट में सूरजपुर कोर्ट में पेशी और अब कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया 14 दिनों की और जेल भेज दिया गया है, जहां अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये सांपों का जहर कब से इस्तेमाल हो रहा था, क्यों इस्तेमाल किया गया, किस किस को दिया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल है क्योंकि एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग कैसी आप सब जानते हैं, इसीलिए एल्विश यादव को लेकर कई बड़े सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो भी इसकी जद में आते दिखाई दिए, ये गंभीर आरोप उन पर भी लगे हैं। आज गिरफ्तारी उनकी होती है जिसके बाद सूरजपुर कोर्ट में पेशी कि एल्विश यादव को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है और पुलिस जो है वो लार्जर देन लाइफ तस्वीर दिखा रही है और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि नोएडा पुलिस अपनी तैयारी करके गई थी, नोएडा पुलिस ने इस केस की स्टडी की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, जो जहर मिला था एफएसएल से वो भी प्रूफ करता है कि ये करैत प्रजाति का था जहर, उसका कॉम्पोजिशन मांगा गया था, एल्विश का उस राहुल नाम के सपेरे से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया, उसके ऑडियोज प्रूफ किए दिए गए, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई, कोर्ट में पेश की गई और उसके बाद अब इसे जेल भेजने की तैयारी है और इसी के तहत रास्ते में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है वो तमाम एल्विश की सुरक्षा में था और अब इसे भारी सुरक्षा के बीच लुक्सर भेजा जा रहा है। जी, ये हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एल्विश यादव को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद सूरजपुर कोर्ट में उनको पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। मामला क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको मामला थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं कि ये सांपों के जहर से जुड़ा हुआ मामला रेप पार्टी में मिला, आरोप एल्विश यादव पर भी लग गए कि उनकी ओर से लाया गया और जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट में पेशी और जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों।